हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद ब्रदर चैनल। आज मैंने कुछ चेंज किया है। आज मैं डेली 5 वर्ड्स की जगह डेली 10 वर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ऐसे ही करके बढ़ाता रहूँगा। पहले 5 वर्ड, फिर 10 वर्ड, फिर 15 वर्ड, ऐसे ही करते करते आपको भी अपनी उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। 5, 10, 20 ऐसे, ठीक है? ये नहीं कि 5 ही वर्ड पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो 10 वर्ड है, फटाफट खत्म करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में है, जहां पर भी है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है? चलिए, सबसे पहला वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब होता है जो सामने दिख रहा हो, जैसे प्रत्यक्ष। पहले मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ। एबल टू बी परसीव्ड बाय सेंस और बाय द माइंड। देखो, एक चीज समझ लो, जब भी आप लोग कोई वर्ड पढ़ते हो ना, हर वर्ड को बनाया गया है, बट उनके मीनिंग्स में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वरना वो वर्ड बनता नहीं। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं किसी को देख रहा हूं, तो आई एम सीन। मैं किसी को देख रहा हूं तो आई एम सीन। लेकिन अगर मैं किसी को घूर के देख रहा हूं तो दैट इज स्टेयरिंग। समझो, मैं किसी को देख रहा हूं तो आई एम सीन, और मैं किसी को घूर के देख रहा हूं तो आई एम स्टेयरिंग। अच्छा, दोनों में देख जरूर रहा हूं, सीइंग में भी देख रहा हूं, स्टेयरिंग में भी देख रहा हूं, लेकिन स्टेयरिंग में घूर के देख रहा हूं। तो हर वर्ड का अपना एक भाव होता है, हर वर्ड की अपनी एक, कहते हैं, एक भाव है जो वो एक्सप्रेस करता है, एक थॉट और एक फीलिंग है। बात समझ में आ रही है? तो सीइंग को मैं स्टेयरिंग के साथ यूज नहीं कर सकता। जैसे आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें घूर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो आई होप आप लोग को वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो कभी कभार कोई कोई वर्ड एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स में सटल सटल एक्सप्रेशंस का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप लोगों को खुद समझ में आएगा। डिसर्नेबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, एबल टू बी परसीव्ड बाय अ सेंस और बाय द माइंड। तो जो चीज आपको दिख रही है, जो आपका सेंस और माइंड परसीव कर सकता है। यूज की बात अगर करेंगे तो इवन दो जेन यूज्ड मेकअप ओवर द ब्रूजेस ऑन हर फेस, द मार्क्स वर डिसर्नेबल टू मी। मतलब कि जेन ने अपनी चोटों को छुपाने के लिए अपने चेहरे पे मेकअप लगाया था, लेकिन वो चोटें मुझे साफ साफ दिखाई दे रही। तो जब भी आपको कोई चीज साफ साफ दिखाई दे तो उसको डिसर्नेबल कहा जाता है, ठीक है? इसको याद कैसे करेंगे? दिस अर्न, डिसर्नेबल में एक साउंड आ रहा है, देखो यहां पर दिस अर्न। तो जो भी आप कमाई करते हो वो साफ साफ दिखाई देती है, अर्निंग माने कमाई। तो जो जो आप कमाई करते हो साफ साफ दिखाई देती है, तो जो भी चीज साफ साफ दिखाई दे रही है या परसीव हो सकती है, तो दैट इज कि वो डिसर्नेबल है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और फिर देखिए, जब आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की और उस जगह की, तो पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ में आता है कि वर्ड्स को कहाँ पे यूज करना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स को यूज करो, ठीक है? देखो, ये लैंग्वेज है, धीरे धीरे आएगी। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कैनन। कैनन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, अ जनरल लॉ और क्राइटेरियन बाय विच समथिंग इज जस्ट, नियम, ठीक है? तो अगर इसका यूज देखें, सिनोनिम में प्रिंसिपल, रूल, टीनेट, स्टैंडर्ड, मतलब कोई अगर नियम बन जाए तो वो कैनन है। इसका हम अगर यूज देखें तो ऑल दे हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव फियट विच फेल एनी ऑफ द कैनन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, ठीक है? मतलब कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कभी कभार देखा होगा आपने पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, योगी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेबर लॉ हटा देंगे, 4 लेबर लॉ हटा देंगे। बात समझना ध्यान से, मैं इसको इस एक्चुअली जो ये यूज किया है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से पढ़िए सेंटेंस, ऑल दे हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव फियट विच फेल्स एनी ऑफ द कैनन्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। इसको, इस सेंटेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए योगी गवर्नमेंट है, अब योगी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लेबर लॉ हटा देंगे। तो क्या देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? ऑर्डिनेंस इज नॉट लॉ, इस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस लॉ नहीं होता है, ठीक है? ऑर्डिनेंस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो चीज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, ठीक है? तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फियट था, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक शिगुफा छोड़ा था, जुमला छोड़ा था, वो किसी भी लॉ को, किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता था। तो अभी
जैसे योगी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ निकाला है, तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उसको पास नहीं होने देगी, क्योंकि रीजन उसका ये है, और मुझे नहीं समझ आता लोग सपोर्ट कैसे कर रहे हैं उस चीज को। तुमको पता नहीं है अगर वो लेबर लॉ हट गया तो कंपनी तुमसे 12-12 घंटे काम करवा लेगी, बात को समझो। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग किसी को, जैसे हम लोग मोदी और योगी को इतना ज्यादा चाहते हैं कि हम उनकी हर बात मान लेते हैं, भले वो हमारी को ही प्रॉब्लम कर जाए, ठीक है। तो बात मानना अच्छी चीज है, लेकिन हर बात मानना अच्छी चीज नहीं कि जिससे आपको नुकसान कर दे, ठीक है। चलिए, वो तो अलग पॉलिटिकल इशू है, उस पर कभी डिस्कस करेंगे। ऑल दे हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव फियाट व्हिच फेल्स एनी ऑफ द कैनन्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, कैन में पेप्सी। आज से मैं एक रूल बना लेता हूं कि जब भी मैं पेप्सी पीऊंगा तो मैं कैन में पीऊंगा, ठीक है। कैनन, कैन में पेप्सी, मतलब आज से मैं जब भी पेप्सी पीऊंगा तो मैं कैन के अंदर पीऊंगा। अगर मैं कैन के अंदर पीऊंगा तो वो रूल बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है कपट, चाल, ठीक है, अ केयरफुली प्लान्ड और कनिंग स्कीम और एक्शन। तो जैसे मान लीजिए कभी कभार आप कोई चीज, कोई टैक्टिकली काम करते हैं, जैसे शिवाजी थे, तो शिवाजी ने जो गोरिल्ला युद्ध की नीति थी, गोरिल्ला युद्ध मतलब सामने से नहीं लड़ेंगे, यहां पर जो मैन्यूवर है उसका हमेशा निगेटिव सेंस नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। निगेटिव सेंस में जरूरी नहीं कि हम यूज करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि कपट अच्छी चीज होती है, जैसे शिवाजी है, शिवाजी ने यूज किया गोरिल्ला युद्ध, सामने से लड़ाई नहीं करी, लेकिन अगर आप देखें तो उनके थॉट्स तो प्योर थे ना, वो तो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को आजाद कराना चाहते थे, ठीक है। तो जब मैं कोई कपट यूज करता हूं, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना बार बार, इंग्लिश में वर्ड्स का बहुत डिफरेंस होता है मीनिंग का, बड़े ध्यान से पढ़ा करिए मीनिंग, ठीक है, कि मीनिंग ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं, यहां पे कपट का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं है, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ यूज की टैक्टिक जो मैन्यूवर है, मैन्यूवर मतलब वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ मैन्यूवर कपट करूंगा तो आप उसे गलत मानेंगे, अगर कोई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ मैन्यूवर करेगा तो वो गलत होगा, नहीं होगा ना। चलिए, इसको याद कैसे करेंगे, एक वर्ड है बहुत अच्छा, ईयू करके है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, वैसे गर्ल्स इस वर्ड को ज्यादा बोलती हैं, जैसे आपने कोई बहुत गंदी चीज देखी तो आप क्या बोलेंगे, ईयू। तो अगर आपने कपट वाली चीज देखी तो आप क्या बोलेंगे, ईयू। तो मैन्यूवर का मतलब क्या हुआ, कपट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वू। वू का माने होता है पीछा। अब यहां पे पीछा करना नहीं होता है, पीछा करवाना होता है, ठीक है। वू का मतलब क्या होता है, पीछा करवाना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो कोई बहुत, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो चार लड़के बैठे हैं और एक सुंदर सी लड़की बैठी है, तो चारों लड़के चाहेंगे कि ये लड़की मेरे पीछे आ जाए, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं ताकि वो लड़की उनकी तरफ आ जाए, है कि नहीं। तो वू का मतलब क्या होता है, पीछा करवाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज हैव रोप्ड इन बॉलीवुड स्टार्स ओनली टू वू द यंग, मतलब पॉलिटिकल पार्टी बॉलीवुड के स्टार को यूज करती है ताकि जो यूथ है हमारा, युवा है, वो उनके पीछे पीछे भागे, ठीक है। तो वू का मतलब होता है पीछा करना। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, वुमेन, वुमेन का पीछा करते हैं मेन, इसलिए वू का मतलब क्या हो गया, पीछा करवाना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर पीछा करना नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, वही है ना, वर्ड्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि उन लोग को उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता अच्छे से, कि वो वर्ड क्यों है। इसलिए जब आप पढ़ा करें ना, एग्जाम्पल याद रखिए, सीइंग और स्टेयरिंग, मैं स्टेयरिंग की जगह पे सीइंग क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है मीनिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान है, इसका मैं निमोनिक बता देता हूँ याद करने का तरीका, गार्डनर कलेक्ट फ्लावर। गार्डनर जो होता है वो फ्लावर को कलेक्ट करता है, ठीक है। अगर गार्डनर देखोगे तो वो अपने बगीचे में फूलों को कलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब गार्नर का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैमल। ट्रैमल का वर्ड होता है, ट्रैमल का मीनिंग होता है बाधा, रिस्ट्रिक्शंस और इम्पेडिमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, रेस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कर्व, चेक, इम्पेडिमेंट। प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू लेट एनीवन ट्रैमल देयर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स एंड पुश्ड फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो प्रोटेस्टर ने इस बात से मना कर दिया कि कोई अपने फर्स्ट अमेंडमेंट राइट को, ठीक है, refuse to let anyone trample their first amendment rights, कोई भी अपने first amendment right को मतलब बाधा नहीं बनने देगा, समझ रहे हो। तो refuse to let anyone trample their first amendment rights, तो trample का मतलब होता है जब कोई चीज बाधा बन रही है,
ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है, कोचल देना। जैसे आप एक भीड़ में खड़े हो, तो भीड़ में अगर आप ट्रैम्पल हो जाओगे तो आप आपके लिए बाधा बन जाएगी। अगर आप भीड़ में खड़े हो और ट्रैम्पल हो जाओगे तो आपके लिए क्या बन जाएगी, बाधा बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ड है टोटल। नेक्स्ट वर्ड है इनविगरेट। इनविगरेट का मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना, गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी, एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना। ठीक है, तो इनविगरेट का मतलब तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि जब कोई चीज आपको रिवाइटलाइज करती है, कोई आपको रिफ्रेश करती है, रिवाइव करती है, मतलब आपको पुनर्जीवित करती है, आपको फिर से जिंदा करती है। जैसे कभी कभार क्या होता है, जीवन में आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि काम छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं, तो आप क्या होते हैं, आप पुनर्जीवित हो जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कभी लाइफ में नीचे हो जाए तो आगे बढ़िए, और कुछ नहीं है, बात समझिए। देखिए जिंदगी भर अगर आप कंपैरिजन करते रहेंगे तो फिर आप कंपैरिजन के पीछे पागल हो जाएंगे। आपको अपनी स्थिति को सुधारना है, कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप कल लेवल 1 पे हैं तो लेवल 2 पे जाइए, फिर लेवल 3 पे जाइए। लाइफ ओनली सीज ग्रोथ, नथिंग एल्स। इनविगोरेट, ओके, इनविगोरेट का मतलब इसको याद कैसे करेंगे, विगर। विगर मतलब क्या होता है, जैसे आपके अंदर जो उत्साह होता है, उमंग होता है, उसको विगर बोलते हैं। तो इनविगोरेट का मतलब इन विगर, मैं उत्साह में हूं, उमंग में हूं। इनविगोरेट का मतलब इन विगर, मतलब मैं उत्साह में हूं, उमंग में हूं, मतलब मैं फिर से पुनर्जीवित हो गया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। वेंचुरस, वेंचुरस का मतलब होता है साहसी। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है एडवेंचर। जब आप एडवेंचर करोगे तो आपको साहसी होना ही पड़ेगा। वेंचुरस का मतलब होता है साहसी, क्योंकि जब आप एडवेंचर करोगे तो आपको साहसी होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है विकेरियस। विकेरियस का मतलब क्या होता है कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका चलो मैं पहले यूसेज समझाता हूं, फिर तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। माय पैरालाइज्ड अंकल टेक्स विकेरियस प्राइड इन हिज सन्स रनिंग अचीवमेंट। मतलब मेरे जो विकलांग चाचा हैं, वो उन्होंने ये देखा कि उनका बेटा जब कुछ अचीव करता है तो उनको लगता है कि उन्होंने अचीव कर लिया। जैसे मान लो कोई बाप है, उसका बेटा है, तो बेटा जब कुछ अचीव करता है तो बाप को ऐसा लगता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया। जब बेटा कुछ अचीव करता है तो पिताजी को ऐसा लगता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे की चीज को फील करते हैं, है कि नहीं, एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट बाय वॉचिंग, हियरिंग अबाउट, रीडिंग अबाउट समवन एल्स रादर देन बाय डूइंग योरसेल्फ। मतलब आप खुद वो चीज नहीं कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि दूसरे ने किया है, आपको फील हो रहा है। तो प्रतिनिधक इसका हिंदी वर्ड है। इसको याद कैसे करेंगे, We care about us and sometime means जब आप किसी के लिए केयर करते हैं तो आप उसके लिए फील करते हैं। वो चीज आपके साथ नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए केयर करते हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो अगर आपका फैमिली मेंबर अगर टेंशन में होगा तो आपको भी टेंशन होगी, है कि नहीं। तो विकेरियस का मतलब क्या हुआ है, एक्सपीरियंस, ऐसी चीज एक्सपीरियंस करना जो आपने नहीं करी है, लेकिन आपके किसी ऐसे इंसान के साथ हो, किसी दूसरे के साथ हो रही है और आप फील कर रहे हैं, आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है तसल्ली देना, ठीक है। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, तसल्ली देना। तो सिंपल सा वर्ड है, इसको याद करने का तरीका क्या होगा, प्लेट। जब आप किसी को खाने की प्लेट देते हो तो उसको, जैसे मान लो कोई बहुत भूखा बच्चा है तो आप उसको प्लेट दे रहे हो, ठीक है, तो आप एक तरह से तसल्ली दे रहे हो कि ले खा ले, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। जैसे भाई अगर मैं मान लो बहुत भूखा हूं और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं किसी से खाना मांग रहा हूँ और मुझे कोई खाना ला के दे दे, तो एक तरह से तसल्ली, मेरे मन को तसल्ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जो दे रहा है उसके मन को तसल्ली होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी को खाना दिया जाके, तो अगर मैंने किसी को खाना दिया तो मेरे मन को तसल्ली होगी ना, हाँ मैंने इसकी मदद करी है। तो प्लेकेट को याद कर सकते हो, अ प्लेट फुल ऑफ टेस्टी फूड आपने किसी को दे दी तो आपके मन को तसल्ली होगी, ठीक है। लास्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताना। जब आप किसी चीज पे पछताते हो तो उसको कॉन्ट्राइट बोलते हैं, ठीक है। अब आप जैसे बोलोगे फीलिंग सैड, देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंग्लिश में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार आई एम फीलिंग सैड, तो आई एम फीलिंग सैड से ये नहीं पता चलता कि मैं पछता रहा हूं। हो सकता है कि मैं सैड हूं किसी और वजह से, मैं पछता ना रहा हूं। पछताना और सैड होने दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है और जब हम उस वर्ड को यूज करते हैं तो हमें पता चलता है। चलो, तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे,
कांट राइट मतलब कांट राइट, सुनने में क्या आ रहा है कांट राइट, तो जब आपको लगता है कि आपने कुछ सही नहीं किया है तो आपको पछतावा होता है। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या हुआ, कांट राइट, ये निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कांट राइट मतलब आपको पछतावा हो रहा है कि यार ये चीज मैंने सही नहीं करी, इसको सही करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी सारे वर्ड्स डिस्कस किए, कौन कौन से, डिसर्नेबल, कैनन, मैन्यूवर, वू, गार्नर, ट्रैमल, इनविग्रेट, वेंचरस, विकेरियस, प्लेकेट, कॉन्ट्राइट। डेली आपको मैं 10-10 वर्ड दूंगा, अब ये फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, फिर 10 से 20, 20 से 40 ऐसे करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, एकदम बढ़िया लेवल की वोकैब की आपकी प्रिपरेशन होगी। यहाँ पे बस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। दूसरा, और आप लोग जिस चीज पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बता सकते हैं, किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, और बाकी मैं आपको अभी आपका सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।